हे फ्रेंड्स, आजकल हमें स्मार्टफोन्स में काफ़ी हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पबजी, फॉर्टनाइट, सीओडी। ये सभी गेम्स हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स के साथ में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, ऐसे में हमें एक गेमिंग फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, और आप एक गेमर हैं तो आपको एक गेमिंग फ़ोन की ज़रूरत पड़ती ही है, ताकि आप लैग फ्री गेम को इंजॉय कर पाएँ। तो दोस्तों, ऐसे में 2019 में बहुत सारे गेमिंग फ़ोन लॉन्च हुए थे, तो आज के स्टूडियो में आपको टॉप 5 स्मार्टफोन्स बताने वाला हूँ जो कि गेमिंग फ़ोन होने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भदानी टेक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टॉप 5 गेमिंग फोन की, तो ऐसे में हमारे लिस्ट में जो पहला फोन आता है वो आता है आसूस आरओजी 2। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि इंडिया का पहला फोन था इस प्रोसेसर के साथ में। और दोस्तों, इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 120 हर्ट्ज़ HDR इनेबल के साथ में देखने को मिलता है दोस्तों, जिससे कि गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। और दोस्तों, इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी, 3.5 mm का ऑडियो जैक, और दोस्तों इसमें आपको मल्टीपल टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, क्योंकि दोस्तों गेम खेलते समय आप बहुत ही आराम से इस फोन को चार्ज में लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आपको एयर ट्रिगर भी देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, जो कि इस फोन के कैमरे को काफी कमाल का बना देता है। दोस्तों, यही सब रीजन है कि इस फोन को मैंने पहले नंबर पे रखा। ये गेमिंग फोन होने के साथ साथ एक डेली ड्राइवर के यूज में भी इस फोन को हम ला सकते हैं। और इस फोन की डिजाइन की बात करें दोस्तों, इस फोन का डिजाइन तो काफी कमाल का है, बिल्कुल एक गेमिंग फोन की तरह, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको RGB लाइटिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, हम लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। हमारे लिस्ट में जो दूसरे नंबर फ़ोन आता है वो आता है नूबिया कंपनी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नूबिया एक चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है, और इस फोन का नाम है नूबिया रेड मैजिक 3S। तो दोस्तों, इस फोन के बारे में हम बात करें तो इसे आसूस आरओजी 2 का छोटा भाई भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इस फोन में भी आपको लगभग सारी स्पेसिफिकेशन सेम ही देखने को मिलती है। स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 90Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और इसमें भी आपको एयर ट्रिगर देखने को मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट। और दोस्तों, इस फोन में भी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, इसमें भी RGB लाइटिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस फोन का भी डिजाइन काफ़ी कमाल का, मगर दोस्तों आप अगर इसे डेली ड्राइवर की तरह यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इसमें कुछ कमी लगेगी, वो है कैमरा का। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ एक ही कैमरा देखने को मिलता है, वो भी कैमरा कुछ खास मुझे लगा नहीं, इसीलिए दोस्तों इस फोन को मैंने नंबर 2 पे रखा है। और दोस्तों, आसूस आरओजी का प्राइस 38,000 था, तो इस फोन का प्राइस 36,000 रुपये है, तो इससे थोड़ा सा ही प्राइस कम है दोस्तों, मगर इसमें आपको एक ही कैमरा देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने इसे दूसरे नंबर पर रखा है। मगर दोस्तों, इस फोन का परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल का है, एक गेमिंग फ़ोन होने के लिए जो कुछ भी चाहिए दोस्तों इस फोन में देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ एयर ट्रिगर भी देखने को मिलता है, और आसूस आरओजी 2 की तरह इसमें भी आपको बहुत तरह के गेमिंग एसेसरीज भी अलग से देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यही सब कुछ बातें हैं जो कि इसे नंबर 2 पे लाती है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो नंबर 3 पर फोन आता है वो दोस्तों आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी X2 प्रो। जी हाँ दोस्तों, ये फोन कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, रियलमी X2 प्रो। और दोस्तों, ये फोन डेली ड्राइवर के साथ साथ एक गेमिंग फोन भी बन जाता है, क्योंकि दोस्तों इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर, 90Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और दोस्तों बहुत ही कमाल का गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर है दोस्तों, गेमिंग परफॉर्मेंस तो अच्छा होगा ही, साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो बहुत ही कमाल की बात है, इसका फास्ट चार्जिंग। या दोस्तों, आप जब गेम खेल रहे होंगे, फ़ोन को चार्ज करेंगे तो ये फ़ोन काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाता है, आप ऐसे ही चार्ज में लगाएंगे तो ये 25 मिनट में चार्ज होता है, अगर आप गेम खेलते के साथ में चार्ज में लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 घंटा या 45 मिनट लेगा। तो दोस्तों, यही सब कुछ बात है जो रियलमी को नंबर 3 पे लाता है। और दोस्तों, इसकी प्राइजिंग मात्र 30,000 रुपीज़। तो भाई, 30,000 में आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर मिल जाता है, तो बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। तो दोस्तों,
तो हमारे लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर फोन आता है वो आता है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस 70। या दोस्तों अगर आप एक पूरी तरह से डेली ड्राइवर फोन लेना चाहते हैं और साथ ही साथ आप चाहें कि उसमें गेम भी अच्छा खेलने को मिल जाए तो दोस्तों ये फ़ोन आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों इसका भी प्राइस 38,000 रुपये ही है और इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर, 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले और काफ़ी कमाल का गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, 32 वाट चार्जिंग। तो दोस्तों इसमें भी काफ़ी कमाल का चार्जिंग स्पीड भी देखने को मिल जाता है और दोस्तों स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर है तो इसमें भी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की मिल जाएगी। और दोस्तों इसका कैमरा भी बहुत ही मस्त है, सभी फोन में से सबसे अच्छा कैमरा किसी फोन का है तो दोस्तों ये इसी फोन का है, मगर दोस्तों अगला फोन बताने वाला हूँ वो इसे बीट कर देता है। तो दोस्तों यही सब रीजन है कि इस फोन को मैंने नंबर 4 पे रखा है, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों और वन प्लस कंपनी है तो दोस्तों बेस्ट फ़ोन तो होना ही है, खास करके कैमरे के मामला में। तो दोस्तों आप चाहते हैं कि एक अच्छे ब्रांड का फ़ोन और एक अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस, साथ ही साथ आपको अच्छा कैमरा भी देखने को मिल जाए तो दोस्तों आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे गेमिंग फ़ोन में डाला है, क्योंकि दोस्तों इसका गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं लास्ट फोन की तरफ। जो दोस्तों लास्ट फोन आता है वो एप्पल की तरफ से आता है, एप्पल आईफोन 11। अगर आपका रेंज थोड़ा सा ज़्यादा है, आप थोड़ा सा महंगा फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं दोस्तों, तो आपको आईफोन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको इस फ़ोन में गेमिंग काफ़ी कमाल का मिलेगा। अगर किसी फ़ोन में आपको बेस्ट गेमिंग मिल सकता है दोस्तों तो आपको आईफोन्स में ही मिल सकता है, आईफोन 11 में, क्योंकि दोस्तों इसका प्रोसेसर काफ़ी कमाल का है। और दूसरी बात दोस्तों, इस फ़ोन में जो भी गेम बनाते हैं वो गेम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ रहता है और साथ ही साथ दोस्तों आप इस फ़ोन को डेली ड्राइवर की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका कैमरा अब तक का सबसे बेस्ट कैमरा है। यहाँ तक कि इस फ़ोन में तो आप पिक्सल को भी बीट कर दिया, इसमें आपको काफ़ी अच्छा फ़ोटोज़ भी देखने को मिल जाता है और बैटरी बैकअप भी आईफोन का धीरे धीरे बेटर हो रहा है, इस फ़ोन में तो बेटर है ही। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा पैसा ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो आपको आईफोन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसी में आपको सबसे बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस मिल सकता है। तो दोस्तों यही कुछ फ़ोन थे जो कि टॉप 5 गेमिंग्स फ़ोन में आते हैं। आपको इन सभी फ़ोन में से कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्या आईफोन किस कैटेगरी में डालना चाहिए था या नहीं, मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दे। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पता चल जाएगा कोई वीडियो अपलोड किया। आप लोग का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।